चलिए दोस्तों, बहुत ही कमाल की वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ, क्योंकि कल ही अमेज़फिट GTR 4 इंडिया में लॉन्च हुई है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि आपको GTR 4 बाय करनी चाहिए सेल के अंदर में या फिर GTR 3 प्रो को बाय करना चाहिए, क्योंकि फीचर्स बहुत सिमिलर टाइप के मिलते हैं लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो आज मैं आपको कंपैरिजन करके बताने वाला हूँ कि कौन सी स्मार्ट वॉच आपको इस टाइम पर बाय करनी चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए होने वाली है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड की। तो वैसे GTR 4 और GTR 3 के अंदर में जो बिल्ड है वो बिल्कुल सिमिलर मिल जाएगी। सर्कुलर आपको फ्रेम मिल जाता है एल्युमिनियम बिल्ड के साथ में, 22mm साइज का आपको स्ट्रैप मिल जाता है, चेंजेबल आप थर्ड पार्टी स्ट्रैप भी लगा पाओगे। डिजाइन के अंदर में एक चेंज आपको मिलता है, GTR 4 के अंदर में एक क्राउन मिलता है आपको और एक फिस्कल की देखने को मिल जाती है, जबकि GTR 3 प्रो के अंदर में आपको दो क्राउन ही देखने को मिलते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस सिर्फ आपको डिजाइन के अंदर में मिलेगा, बाकी बिल्ड क्वालिटी दोनों ही स्मार्ट वॉच की बिल्कुल सिमिलर टाइप की आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले डिफरेंसेस की। तो अमेज़फिट GTR 4 के अंदर में 1.43 इंच की HD AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है, 200 प्लस वॉच फेसेस क्लाउड बेस्ड मिलते हैं, आप कस्टम वॉच फेस भी यूज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी भी देखने को मिल जाती है। वहीं पर अमेज़फिट GTR 3 प्रो के अंदर में 1.45 इंच की HD AMOLED डिस्प्ले मिलती है, 150 प्लस वॉच फेसेस क्लाउड बेस्ड मिलते हैं, कस्टम वॉच फेस भी यूज कर सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की फंक्शनलिटी मिलती है। तो डिस्प्ले साइड से अगर आप देखते हो तो वॉच फेसेस के अंदर में एक डिफरेंस आपको मिलेगा और थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले GTR 3 प्रो की आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो आपको डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह है, ब्राइटनेस वगैरह है, वो दोनों स्मार्ट वॉचेस में बिल्कुल सिमिलर टाइप की ही देखने को मिलेगी। वैसे आपको GTR 4 और GTR 3 प्रो के अंदर में 2.3 GB की ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है, जहां पर अराउंड 450 ऑडियो सॉन्ग्स को आप स्टोर कर सकते हो। तो स्टोरेज भी दोनों स्मार्ट वॉचेस में बिल्कुल सिमिलर ही आपको देखने को मिल रही है। वैसे आपको GTR 4 और GTR 3 प्रो के अंदर में अलेक्सा भी बिल्ट इन देखने को मिल जाती है, तो अलेक्सा से आप डायरेक्टली सवाल जवाब कर सकते हो दोनों स्मार्ट वॉचेस का यूज करके। इसके अलावा इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में ब्लूटूथ कॉल की फंक्शनलिटी मिल जाती है, तो कॉलिंग एक्सपीरियंस दोनों ही वॉच का बहुत ही अच्छा होने वाला है और कुछ फेवरेट कॉन्टेक्ट्स को स्मार्ट वॉच में सेव करके भी रख सकते हो। अब अगर वर्कआउट्स डिफरेंसेस की बात करो तो आपको इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में GTR 4 GTR 3 प्रो के अंदर में 150 प्लस वॉच फेसेस मिलते हैं, नंबर बिल्कुल सिमिलर है वर्कआउट्स मोड के, और दोनों स्मार्ट वॉचेस में आपको बिल्ट इन GPS मिल जाता है, तो GPS रूट्स वगैरह की जो एक्यूरेसी वो दोनों स्मार्ट वॉचेस की बिल्कुल सिमिलर ही आपको मिलेगी। इवन जो वर्कआउट्स मोड है इनका भी डेटा बहुत हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों भाई, मैंने रिसेंटली तीन बहुत ही प्रीमियम स्मार्ट वॉच का कंपैरिजन किया जो अंडर 5000 रुपीस है, तो आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप बजट सेगमेंट की स्मार्ट वॉच अपने लिए बाय करना चाहते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बाद में आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिटनेस फीचर्स के अंदर में आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। अमेज़फिट GTR 4 के अंदर में बायो ट्रैकर 4.0 आपको मिल जाता है और GTR 3 के अंदर में बायो ट्रैकर 3.0 मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायो ट्रैकर वो इम्प्रूव्ड आपको मिलेगा GTR 4 के अंदर में। अब यहाँ पर जो फीचर्स हैं, हार्ट रेट, SPO2, स्लीप ट्रैकिंग, सेडेंटरी रिमाइंडर, वाटर ड्रिंक रिमाइंडर, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग, पेडोमीटर, इस तरह के मल्टीपल आपको फिटनेस फीचर्स इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी की बात करो तो थोड़ी सी बेटर एक्यूरेसी आपको GTR 4 के अंदर में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें लेटेस्ट बायो ट्रैकर 4.0 वाला सेंसर आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है इसके अंदर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। GTR 4 के अंदर में 14 डेज का बैटरी बैकअप है नॉर्मल यूज पे और 7 डेज का बैटरी बैकअप हैवी यूज पे। GTR 3 प्रो के अंदर में 12 डेज का बैटरी बैकअप है नॉर्मल यूज पे और 6 डेज का बैटरी बैकअप हैवी यूज पे। तो सिर्फ 1 से 2 दिन का ही डिफरेंस आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में बैटरी बैकअप साइड से देखने को मिलेगा। वैसे आपको इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में Zip OS देखने को मिल रहा है, तो कुछ एप्स आप स्मार्ट वॉच में डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पर आपको एप स्टोर मिलेगा, तो ये फीचर्स आपको दोनों स्मार्ट वॉचेस में देखने को मिल जाएगा। सेफ्टी पर्पज से अगर आप देखते हो तो GTR 4 GTR 3 प्रो दोनों के अंदर में 5 ATM वाटर रेसिस्टेंट का सर्टिफिकेशन है, मतलब आप इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को 50 मीटर पानी के अंदर लेके जा सकते हो, उस केस में खराब नहीं होने वाली हैं। तो ओवरऑल दोस्तों कुछ इन्हीं फीचर्स के साथ में ये दोनों ही स्मार्ट वॉचेस आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले प्राइस के बारे में बताता हूँ, देन मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूँ। तो अमेज़फिट GTR 4 इंडिया में 16999 मतलब कि 17,000 में लॉन्च हुई है और अमेज़फिट GTR 3 प्रो इंडिया में 18999 यानी कि 19,000 रुपए में लॉन्च हुई है। तो अगर आप प्राइसिंग देखते हो तो सिर्फ 2,000 रुपए का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। रेगुलर डेज में अगर किसी सेल में आप नहीं बाय करोगे तो 2,000 का डिफरेंस आपको मिलेगा। अब आपको कौन सी स्मार्ट वॉच बाय करनी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अमेज़फिट GTR 4 को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसके अंदर में आपको जो भी सेंसर्स वगैरह वो इम्प्रूव्ड देखने को मिलेंगे GTR 3 प्रो के कंपैरिजन में। इसके अलावा इसकी UI पे भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने काम किया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगी और प्राइसिंग में आपको कम भी मिल रही है GTR 4, और ऑफर्स के टाइम पर GTR 4 की और प्राइस कम हो जाएगी, अराउंड आपको 14,000 के आसपास GTR 4 इंडिया में देखने को मिल सकती है। अगर कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि GTR 3 प्रो भी सेम प्राइस में आपको मिल जाए GTR 4 के कंपैरिजन में या फिर 1,000 कम ज़्यादा मिल जाए,
तो उस केस में भी आपको GTR 4 को ही बाय करना है, क्योंकि वो अभी का लॉन्च है और उसमें जो फीचर्स हैं वो पिछले साल से बहुत बेटर तरीके से काम करने वाले हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को लेकर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियोज को देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगले वीडियो में।